चुनाव आयोग द्वारा रिवोट वेंडिंग मशीन को लेकर बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में सहमति बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बैठक से निकलकर बाहर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट वेंडिंग मशीन यानी RVM को लेकर चुनाव आयोग आज की बैठक में डेमो देना चाहता था कि किस तरह से ये काम करेगा। रिमोट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ये कहते हुए करना चाहता था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उनको वोटों की सहूलियत देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अलावा अधिकांश विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इसका ना तो सर्वे हुआ है ना ही संख्या निश्चित है। ऐसे में चुनाव आयोग जल्दीबाजी में जो ये निर्णय कर रहा है वो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार नहीं है। अभी भी बैठक जारी है, लेकिन साफ तौर से दिग्विजय सिंह ने बाहर निकल के कहा कि विपक्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि रिमोट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल आने वाले किसी भी चुनाव में किया जाए। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि वो वोटरों की सहूलियत के लिए, खासतौर से जो प्रवासी वोटर हैं उनकी सहूलियत के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करेगा, जबकि राजनीतिक दल, खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी आशंका ये है कि इस मशीन के जरिए मैनिपुलेशन हो सकता है और तमाम तरह की आशंकाएं हैं। इसको देखते हुए रिमोट वेंडिंग मशीन को अभी फिलहाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। चुनाव आयोग द्वारा रिवोट वेंडिंग मशीन को लेकर बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में सहमति बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बैठक से निकलकर बाहर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट वेंडिंग मशीन यानी RVM को लेकर चुनाव आयोग आज की बैठक में डेमो देना चाहता था कि किस तरह से ये काम करेगा। रिमोट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ये कहते हुए करना चाहता था कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उनको वोटों की सहूलियत देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अलावा अधिकांश विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इसका ना तो सर्वे हुआ है ना ही संख्या निश्चित है। ऐसे में चुनाव आयोग जल्दीबाजी में जो ये निर्णय कर रहा है वो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार नहीं है। अभी भी बैठक जारी है, लेकिन साफ तौर से दिग्विजय सिंह ने बाहर निकल के कहा कि विपक्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि रिमोट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल आने वाले किसी भी चुनाव में किया जाए। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि वो वोटरों की सहूलियत के लिए, खासतौर से जो प्रवासी वोटर हैं उनकी सहूलियत के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करेगा, जबकि राजनीतिक दल, खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी आशंका ये है कि इस मशीन के जरिए मैनिपुलेशन हो सकता है और तमाम तरह की आशंकाएं हैं। इसको देखते हुए रिमोट वेंडिंग मशीन को अभी फिलहाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।